मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली बात पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हैं और उसके पहले जो नफरतों के शोरूम साथ लेकर चल रहे थे उसे बंद करें। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें देश में नफरत फैलाने वाले कन्हैया कुमार और स्वरा भास्कर को बंद करना होगा। आपको बता दें कि साल 2023 की बधाई देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि उम्मीद है कि 2023 में हर गली हर गांव हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में अलवर में जनसभा के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि मुझे रास्ते में बीजेपी के लोग भी मिल जाते हैं, मैं उनसे नफरत नहीं करता, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूँ। हमारा धर्म हमारा देश मोहब्बत का देश नफरत का नहीं। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी यात्रा के दौरान मैंने देखा कि देश के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जाति धर्म या प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है और मैं इसी के खिलाफ मोहब्बत का संदेश देता चल रहा हूँ। जैसे आलू से सोना नहीं बनता ना राहुल बाबा, वैसे ही मोहब्बत किसी दुकान पर कभी नहीं मिलती। आप जो मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हो उसके पहले आप ये जो साथ में अपने लेके चल रहे हो ना शोरूम नफरतों के, कन्हैया कुमार स्वरा भास्कर जैसे, पहले इनको बंद कराओ तब मोहब्बत की बातें होंगी।